नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है और आपको बता दें कि शिंदे गुट ने शिवसेना पर दावा ठोंक दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पहुंचकर शिंदे ने दावा कर दिया है कि शिवसेना पर उनका अधिकार होना चाहिए। आपको बता दें कि 12 सांसद लेकर शिंदे पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने और उन्होंने कहा है कि शिवसेना पर उनका अधिकार होना चाहिए क्योंकि 19 में से 18 विधायक उनके साथ हैं और 12 इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि जंग चल रही थी उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में कि शिवसेना पर राज किसका होगा। फिलहाल मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो, तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही महाराष्ट्र की राजनीति और उद्धव ठाकरे और शिंदे को लेकर, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे ने बड़ा दांव चला है और वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचे और उन्होंने कहा शिवसेना पर उनका अधिकार होना चाहिए क्योंकि शिंदे का दावा है कि शिवसेना के जो 19 सांसद हैं उनमें से 18 सांसद का समर्थन उनके पास है जिसमें से 12 सांसद हाल फिलहाल में उनके साथ मौजूद हैं। इधर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई है, लेकिन उसी बीच शिंदे दिल्ली में ये बड़ा कारनामा करने में जुटे हुए हैं। साथ ही महानगर पालिका अध्यक्षों को भी मीटिंग में उधर बुलाया गया उद्धव ठाकरे ने, और इधर एकनाथ शिंदे ने 12 सांसदों के साथ शिवसेना पर दावा ठोंक दिया है। ओम बिरला के पास वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरीके से तमाम बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में चला, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने बगावत करने के बाद सत्ता हथिया ली और मुख्यमंत्री बने वो महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए। शिवसेना इसके साथ ही टूट गई, दो फाड़ में बट गई। उद्धव ठाकरे की एक शिवसेना हो गई और दूसरा गुट एकनाथ शिंदे के साथ था जो कि इस वक्त बीजेपी के साथ सत्ता में है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर भी दावा ठोक दिया है। आपको बता दें कि जो उनके 12 सांसद आज पहुंचे थे उन सभी को वाई प्लस सुरक्षा दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 19 में से 12 सांसद अलग गुट का दावा लोकसभा में पेश कर सकते हैं। ये सांसद प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं और जिन 12 सांसदों को केंद्र सरकार की ओर से वाई प्लस सुरक्षा दी गई थी वो सब आज पहुंचे थे और इस तरीके से लगातार शिवसेना पर अपना दबदबा कायम करते जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र संकट को लेकर अब सबकी नजरें फिलहाल 20 जुलाई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जाकर टिकी हुई हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की बेंच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर सुनवाई 20 जुलाई को करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही शिवसेना की लड़ाई में नया मोड़ आएगा। तो कल जब ये सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने 12 सांसदों का साथ लेकर ओम बिरला के सामने ये दावा ठोंक दिया है कि शिवसेना पर उनका अधिकार होना चाहिए, उसके बाद देखना है कि आगे क्या कुछ होता है महाराष्ट्र की राजनीति में और शिवसेना का बॉस कौन बनता है, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे।